बचपन में, बचपन से भी एक सपना रहा, और उसके बाद जैसे सिस्टम को समझने का प्रयास किया तो उसमें लगा कि अफसर बनना चाहिए, और वहाँ से शुरुआत हुई। और मेरे जो शहीद भाई हैं कप्तान जी, वो मेरी प्रेरणा रहे, उनके जीवन से मुझे प्रेरणा मिली, और अपने घर वालों ने बहुत सहयोग किया और प्रेरित भी किया। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि समाज ने उसको चीज को स्वीकार किया है, और स्वागत के लिए आप लोग इकट्ठा हुए, तो बहुत बहुत आभार है। बाड़मेर के युवाओं के लिए सर संदेश? संदेश यही है कि हमारे क्षेत्र से अपनी परिस्थितियों के बावजूद भी यदि अच्छा कर सकते हैं तो एक प्रेरणा लें, और अच्छा कर सकते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। इन प्रतिभाओं को तराशने वालों को और शुभकामनाएं और नमन इन प्रतिभाओं को जो हमारे लिए आदर्श बनी है। बहुत संक्षिप्त बात बताता हूं, ऐसा नहीं प्यासा जो चल पड़ेगा तो दरिया भी आएगा। अगर आप मेहनत करते हो, आपके मन में सपने हैं, आपके लाइफ कि कदमों में जिनके हैं दमखम, इरादे जिनके हैं मजबूत, का होगा कल जो हार नहीं मानेंगे। ईश्वर ये सभी जो हम लोगों को प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, इनसे बहुत कुछ सीख के आप में से पढ़ने वाले सभी साथियों में से आगे बढ़े, समाज का नाम रोशन करें, और माँ भगवती हमारे समाज के मैं प्रारंभ करना चाहूँ। उससे पहले मंच पे विराजमान क्यों ही अपने मन पे एक चेहरे पे खुशी आई। इन्होंने कहा मैंने ऐसा साफा पहना तो फिर खुशी आई, इन्होंने कहा मैंने मूछ रखी तो फिर खुशी आई। आपने तो मूछ समाज की रख ली है, आने वाला भविष्य आपसे सीख ले, आगे बढ़े, प्रेरित हो। बहुत ही प्रेरणादायी कहानी है, फिल्में बनती है और करोड़ों में बिकती है। आज से 7 दिन पहले 8 दिन पहले एक भास्कर अभिनंदन वाले ये छोटे जंगलू भी इस दैदेमान सितारे के प्रकाश से अपनी राहों को रोशन कर सके, ऐसा ही निवेदन करूंगा। तेजदान जी देता साहब से, आप चंद्रपाल सिंह चौहान घूंगा, आप यहां पर विराजमान है, आप अधारे हैं।